हेलो दोस्तों, आपने इनको बहुत बार देखा होगा YouTube शॉर्ट्स, Instagram रील, नहीं तो Facebook पर। इनका नाम सौरभ घाड़गे है। वर्तमान में उनके YouTube चैनल पर 1.46 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है और Instagram पर उनके 2.1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। यह एक कॉमेडियन, कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2016 में की थी, लेकिन उन्हें असली प्रसिद्धि और लोकप्रियता 6 साल बाद मिली। तो चलिए जानते हैं उनके लाइफ के बारे में, उन्होंने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया और वो कैसे सक्सेसफुल बने। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सौरभ घाड़गे का जन्म मुंबई में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनका जन्म 6 जनवरी 1998 को मुलुंड ईस्ट मुंबई में महाराष्ट्र में हुआ। वो 2023 तक 25 साल के हो जाएंगे। उनकी बचपन की पढ़ाई विद्या प्रसारक मंडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई। उनको स्कूल से ही कॉमेडी करना बहुत पसंद था। वह बचपन से ही बहुत शरारत कर लोगों को हंसाते थे। उसी चक्कर में बहुत बार टीचर की डांट भी खाते थे और क्लास के बाहर भी बैठते थे। बचपन से वह क्रिकेट बहुत खेलते थे। उनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। वह बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहते थे। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा और वो मेहनत करके उन्होंने 2016 में हाईस्कूल पास कर लिया और उसके बाद विजय वाजे कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज में उन्होंने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। एक बार जब कॉलेज में वो अपना फ़ोन देख रहे थे तब उन्होंने इंटरनेट पे देखा कि बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट बना रहे हैं। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि यह तो मैं बचपन से ही करते आ रहा हूँ, कि किसी को कैसे हंसाना है वो अच्छी तरह से जानते थे। वह देखकर वो भी छोटे मोटे वीडियो बनाकर अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते गए। किसी ने उनको कहा कि तुम ये सब इंस्टाग्राम पर डालो, वहाँ पर तुमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा और तुम्हारे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। वो कहने लगे कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे। वो लोगों से डरते थे। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाकर एक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनके ऊपर लोगों ने बहुत रिप्लाई किया। कुछ लोग हंस रहे थे और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तू पागल तो नहीं हो गया है ना। पर वह हार नहीं माने और वीडियो डालते ही गए। एक बार उनके साथ एक किस्सा हुआ कि उनका टाइप्स ऑफ पेरेंट्स का वीडियो उनके पिताजी ने देख लिया और उन्होंने बोला कि बेटा तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये सब ठीक नहीं है। सौरभ पिताजी से कुछ नहीं बोले, बस थोड़ा मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। काफ़ी धीरे धीरे तरीके से उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। उन्होंने 2 साल में 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए थे। उनके पिताजी ने उनके मम्मी को वीडियो के बारे में बता रखा था कि वह क्या काम करता है। एक बार उनकी मम्मी ने उनको पूछा कि बेटा तुम यह सब कर रहे हो, यह एक हॉबी के लिए ठीक है, पर आगे क्या सोचा है, तेरा डिग्री हो जाएगा तब तू क्या करेगा। उनकी माँ उनके फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान थी। सौरभ की मम्मी एक दिन सौरभ से कहा कि हम ज्योतिषी के पास जाएंगे और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में पूछेंगे। सौरभ यह सब मानते नहीं थे, पर मम्मी के बहुत मनाने के बाद सौरभ जाने के लिए रेडी हुए और फिर वह ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी ने सौरभ को देखकर कहा कि यह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करेगा, गवर्नमेंट जॉब इसके किस्मत में नहीं है और यह विदेश में बाहर भी घूमने जाएगा। सौरभ के मन में एक ही सवाल था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ कि नहीं, मैं एक्टर बन पाऊँगा कि नहीं। सौरभ ने ज्योतिषी से वो सवाल पूछ लिया। ज्योतिषी ने डायरेक्ट ना कर दिया और कहा कि यह कभी एक्टर नहीं बन पाएगा और सौरभ की मम्मी को तो यही सुनना था। घर आने के बाद वह बहुत डिप्रेशन में थे। ज्योतिष की बात सुनकर उनको बहुत बुरा लगा था। वो हर महीने 2 वीडियो इंस्टाग्राम पर डालते थे, पर वो ज्योतिष की बात सुनकर इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि उन्होंने 4 महीने तक इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो नहीं डाला। समय गुजरता रहा और अब वो लास्ट ईयर में कॉलेज में आ गए थे। उनके कॉलेज की डिग्री अब ख़त्म होने वाली थी। एक दिन सौरभ की मम्मी ने उनसे पूछा कि बेटा अब डिग्री ख़त्म होने वाली है, मैंने तुम्हारे लिए किसी को बोलकर अच्छी जॉब देख रखी है, तुम वहीं पर जॉब करोगे। फिर सौरभ ने कहा कि मम्मी मुझे एक लास्ट चांस चाहिए, अगर मैं 1 साल में कुछ नहीं कर पाया तो मैं आप जहाँ बोलोगे वहाँ पर काम करूँगा। और उनके लाइफ में एक चमत्कार हुआ। 2020 में लॉकडाउन आ गया और उनको किसी ने टिकटॉक ऐप के बारे में बताया और उन्होंने टिकटॉक ऐप पर अपना वीडियो डालना शुरू कर दिया। 2 ही महीने में उनके टिकटॉक पर 30K फॉलोअर्स हो गए थे, पर कुछ महीने बाद टिकटॉक बैन हो गया। पर वो हार नहीं माने, उन्होंने फिर से जीरो से शुरुआत की और उन्होंने इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपना वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर भी उनके धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ते गए और एक ही साल में उन्होंने 1 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए थे। और 2020 से धीरे धीरे उनकी लाइफ चेंज होना शुरू हो गई। उन
उनको बहुत सारे प्रोडक्ट के ऐड मिलते गए। उनको बहुत सारे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर लोगों ने डीएम किया और उन्होंने उनके साथ भी काम किया और अभी वह एक सक्सेसफुल यूट्यूबर, कॉमेडियन, कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। उनकी मंथली इनकम के बारे में अगर बात करें तो वो महीने में 2 से 3 लाख रुपए कमा लेते हैं। उनको मूवी देखना, वेब सीरीज देखना और डांस करना बहुत पसंद है। उनकी फेवरेट एक्टर्स कटरीना कैफ है और एक्टर्स में अक्षय कुमार और रणवीर कपूर है। उनके गाड़ी के बारे में बात करें तो उनके पास टाटा नेक्सॉन कार है और उसकी कीमत 18 लाख रुपए है। दोस्तों, ये थी सौरभ गाड़गे की मोटिवेशनल और स्ट्रगल भरी कहानी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।